फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के चम्मच से बनाने वाले पापड़ की रेसिपी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो आलू से आपको 100 से भी ज़्यादा पापड़ बनाकर दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर लिए हैं दो बड़े साइज़ के आलू, एक छोटा चम्मच लिया है नमक, अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक लें, एक छोटा चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स। आलूओं को हम मिक्सर में पीस लेंगे और पीसने के बाद हमारा जितना भी आलू निकलेगा उसे मेजरिंग कप से नाप लेंगे और उसका डबल पानी डालेंगे। सबसे पहले मैंने दोनों आलूओं के छिलके उतार लिए हैं। आलूओं को छीलने के बाद हम पानी में रखेंगे। पानी में अगर हम आलूओं को नहीं रखते हैं तो आलू काले पड़ जाते हैं, तो मैंने इस तरह से आलू को पानी में डुबो कर रखा है। अब आलू को हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। याद रखिए, ये कच्चा आलू है जिसका मैंने छिलके उतार कर छोटे टुकड़े कर रही हूँ। टुकड़े जितने छोटे रहेंगे तो मिक्सी में पीसने में हमें उन्हें आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आलू को इतना छोटा काटा है। अब आलूओं को हम पानी से निकाल लेते हैं और एक बार इन्हें फिर से साफ पानी से धो लेंगे। तो अब आलू अच्छे से साफ हो चुके हैं। आलू को मिक्सर जार में डालने के बाद में हम इसमें आधा कटोरी पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी जितना कम होगा आलू उतनी ही जल्दी से और बिल्कुल बारीक पीसेगा। अगर आप इसमें पानी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आलू को पीसने में टाइम लगेगा और इसमें बारीक बारीक गुठलियाँ भी रह जाएगी। तो अब मैं आलू को पीस लेती हूँ। तो आलू मैंने यहाँ अच्छे से पीस लिया है। गैस के ऊपर कोई भी मोटे तले का बर्तन रखेंगे और इसके अंदर हम ये आलू जो हमने पीसा है इसे नाप लेंगे। ये 1 कप और ये 2 कप। तो आलू हमारा 2 कप है तो पानी हम इसमें 4 कप डालेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल रही हूँ। 1, 2, 3, 4। गैस मैंने चालू कर लिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं। आलू को हम जैसे ही पानी के अंदर डालकर गैस पे रखेंगे तो लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि धीरे धीरे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो ये तले में चिपक भी सकता है। आप देखेंगे ये 2 मिनट में ही काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इस तरह से मिक्सर में पीसने के बाद जब हम इसे गैस पर रखेंगे तो उस समय काम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आलू पीसने के बाद जल्दी से काला पड़ना शुरू हो जाता है। पर अब हमने इसे गर्म करना शुरू कर दिया है तो ये काला नहीं पड़ेगा। अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है। आलूओं को जब हम मिक्सर में पीसते हैं उस समय पानी हम जितना कम रखेंगे हमारे आलू उतने ही अच्छे पिस जाते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो आलू अच्छे से बारीक नहीं पीस पाते हैं। तो अभी इसे लगातार चलाते हुए मुझे 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं घोल काफ़ी गाढ़ा हो गया है। हम इसे इसी तरह से चलाते हुए 20 मिनट तक पकाएंगे। हमें यहाँ पर इसे ढककर नहीं पकाना है क्योंकि घोल हमारा पतला है और ये तले में चिपक जाएगा। हो सके तो मोटे तले वाले बर्तन के अंदर ही इस आलू वाले घोल को पकाइए। आलू के पापड़ मैं यहाँ उपवास के लिए बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सेंधा नमक। 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ सेंधा नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। कोई भी पापड़ हो अगर नमक ज़्यादा हो जाता है तो पापड़ जब 1-2 महीने के बाद पुराने होने लगते हैं तो तलने के बाद वो लाल हो जाते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम लो और मीडियम रखूंगी और इसे 15 मिनट तक पका लूंगी। अभी मुझे इसे पकाते हुए
5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इस घोल को पूरा 20 मिनट तक पकाएंगे। याद रखें, इसे छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि इसमें उबाल आती है और जिस तरह से दूध ऊपर आता है उसी तरह से ये ऊपर आता है, तो अगर आपने इसे छोड़ दिया तो ये बह जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना है, हल्के हल्के से चलाते रहना है ताकि ये तले में चिपक न जाए। इसे पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं, ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। घोल अभी काफ़ी गर्म है, तो अभी हम इसे 5 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर घोल को हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट तक हम इसे अभी खुले में इस तरह से रखेंगे। पापड़ का घोल अभी भी काफ़ी गर्म है, तो मैंने यहाँ पर डाला है 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ में ही डाल रही हूँ हरा धनिया। इन्हें मिक्स कर लेते हैं। नमक तो मैं पापड़ के अंदर पहले ही डाल चुकी हूँ और यहाँ पर मैं इसमें जीरा नहीं डाल रही हूँ। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पापड़ का घोल पतला होता है, हम इसे प्लास्टिक शीट के ऊपर तेल लगाकर धूप में सुखाएंगे। तो मैं आपको पापड़ बनाकर दिखाती हूँ। पापड़ बड़े या छोटे आप अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पापड़ नहीं बनाऊँगी। इस तरह से पापड़ को डालेंगे और हल्का सा फैलाएंगे। पापड़ हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, पापड़ थोड़ा सा मोटा भी बनाएंगे तो ये सूखने के बाद थोड़ा पतला हो जाता है। तो सारे पापड़ हम इसी तरह से बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये पापड़ बनाना कितना आसान है। ये जो स्टेप है चम्मच से पापड़ डालने की, इसे बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप पापड़ का इस तरह का घोल बनाकर तैयार कर लीजिए और बच्चों को दे दीजिए, तो वो पापड़ बना लेंगे। तो यहाँ पर धूप में मैं इसे 3 से 4 घंटे तक सुखाने वाली हूँ, उसके बाद ही हम पापड़ को पलटेंगे। अभी इस समय फरवरी के महीने में धूप थोड़ी कम है, तो इसे 4 घंटे के बाद पलटें। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन में इसे बना रहे हैं तो 3 घंटे के बाद भी इसे पलट सकते हैं। 2 आलू से 100 से भी ज़्यादा पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। मैंने यहाँ पर इन्हें काउंट किया है, 120 पापड़ हैं। अभी मैं इन्हें 4 घंटे तक धूप में सुखाऊंगी और उसके बाद मैं इन्हें पलटूंगी। पापड़ अभी बहुत गीले हैं। पापड़ हमारे सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं पापड़ बहुत ही पतले बने हैं, तो इन्हें हमें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम चम्मच से डालेंगे इन्हें, उसके बाद आपको इसके ऊपर चम्मच नहीं घुमाना है, ये अपने आप ही बहुत पतले हो जाते हैं। आपको लगेगा डालते समय कि थोड़े से मोटे हैं, पर डालने के बाद पतले हो जाएंगे। और ये इसका कलर हल्का सा आपको अगर सांवला लग रहा है तो ये हरे धनिए के कारण है। इस पापड़ में देखिए हरा धनिया नहीं है, तो इसका कलर बहुत सफ़ेद है। तो अब मैं आपको पापड़ तलकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक और तरह के आज मैंने आलू के पापड़ बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक साथ में दे रही हूँ, इसे भी ज़रूर ट्राई करें। तेल गर्म हो चुका है, पापड़ को दोनों तरफ से नहीं तलना है। आपको एक पापड़ ये वाला भी मैं तलकर दिखा रही हूँ, जो मैंने साथ में बनाए हैं। पापड़ बहुत ही अच्छे बने हैं, पापड़ बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बने हैं। मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, आवाज़ से पता चल जाएगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल पर पापड़ की 30 से ज़्यादा रेसिपी है, इन्हें काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जिनकी लिंक मैं साथ में दे रही हूँ, इन्हें भी आप ज़रूर देखें। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।